Sir, we got to know one of SATL CCU, the word Chutnia racist once again against one fellow YouTuber. Sorry to bring this topic again. Control the rage. चूतिया लिखा है या रेसिस्ट में शायद कुछ आपने लिखा होगा सर. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गौरव यादव, इट्स नॉट अबाउट सॉरी. आई न्यू पीपल वुड ब्रिंग दिस अप बिकॉज कमेंट्स में भी थे और कुछ तो मेरे इंस्टा स्टोरीज में भी थे. सो लेट मी टेल यू अ फैक्ट, स्टेट फैक्ट्स टू एवरीबडी हु विल बी आस्किंग कि मावी के स्टैंड पे कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया या स्काउट के स्टैंड पर क्यों नहीं लिया. अभी कान खोल के सब लोग सुन लेना, ठीक है? और जिसको स्ट्रीम छोड़ के जाना हो, डिसलाइक मार के वो चले जाना यहाँ से. जब से वी हैव टेकन ओवर स्काउट पास्ट सिक्स मंथ्स, अपार्ट फ्रॉम छपरी ना बोला करो गोल्डी भाई, लड़का अपना हीरा है, लड़का हीरा ही है. अभी उसी का डिस्कशन चल रहा है, वो हीरे के करे हुए जो कांड है वो सब जो देख रहे हो ना, उसका हगावा 2 साल 1.5 साल सवाल कर रहे हैं लोग. पहली बात ए, स्प्लिटिंग सम हार्ड फैक्ट्स टू यू. स्काउट वॉज नॉट देन मैनेज बाय अस एट ऑल एट एनी कॉस्ट. ना वो 8-bit क्रिएटिव से मैनेज था, ना वो SATL का पार्ट था. ए सो राइटिंग SATL सीसी यूज्ड इज एब्सोल्युटली बुलशिट व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? वन ऑफ SATL क्रिएटर सीसी इज समवन हु इज बीइंग इन सीसी एंड डूइंग इट नाउ राइट नाउ. नाउ टू, व्हेन दैट इंसिडेंट्स हैपेंड Where were you guys, the entire community of these so-called people who are trying to be a bit, little bit smart so that the topic of 420 or GTXP or Paras Agrawal gets washed off? I know, ये agenda होता है, ये सब जगह का agenda है, मतलब ये एक life का agenda है कि एक topic से दिमाग भटकाना हो तो दूसरे topic पे दिमाग छेड़ दो तो पहले वाले topic को लोग भूल जाएंगे. So with that being said, Gaurav Yadav, I am much more experienced in all these things and let me split up some more facts to you. Us time pe, give me one screenshot of your conversation when you raised this topic or XZ or GameX Pro, whosoever raised this topic. Ab baat aati hai scout aur uska, Mavi ka. Jab maine Mavi se baat pucha ki actually mein incidents hua kya tha us time pe, because I wanted to know, kyunki us din bhi super chat aaya tha. I wanted to know what has actually happened at that time. तो वो बोला कि मावी हम लोगों को पंजाबी लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलता था, हम उसको वैसा बोलते थे. And they being friends were doing all that friendly banter amongst each other. Why? Scout अभी रुक जाओ, मेरे को बात. Scout निकल जा Discord से तुरंत एक बारी. मैं खेलना है आपके. मैं एक बारी बात कर रहा हूँ कुछ. मेरे को एक बारी छोड़ दे बिल्कुल. मेरे को बिल्कुल छोड़ दे. मैं म्यूट कर देता हूँ. तो स्काउट बीइंग डूइंग दैट फ्रेंडली बैंटर विद अगेंस्ट वन फेलो यूट्यूबर, दैट फेलो यूट्यूबर वाज आल्सो डूइंग दैट सेम थिंग एंड दैट वाज अ फ्रेंडली बैंटर अमंगस्ट ईच अदर, ठीक है? नाउ कम्स पीपल आर सेइंग हिपोक्रेट मच. हिपोक्रेसी क्या होता है? हिपोक्रेसी होता है कि भाई मेरे सामने दो चोर बैठे, मैंने एक चोर के लिए 100 नंबर पे फोन कर दिया, दूसरे चोर के लिए 100 नंबर पे फोन नहीं किया, तो वो चोर मेरे लिए चोर है तो जो बाकी लोग होंगे उनके लिए भी चोर होगा, है ना? अब जब जो पहला बंदा है उसको कोई चोर बोला ही नहीं, क्योंकि वो जो चोर है पहले वाला जिसको आप लोग रेफर कर रहे हो, वन ऑफ द SATL CC, मैं नाम ले दे रहा हूं अगर आप स्काउट को बोलना चाह रहे हो, तो वो CC उस टाइम पे जब चोरी का बात आया तो कितने लोगों ने वो उठाया, उसको चोरी करते हुए देखा? कितने लोगों ने उसको चोरी करते हुए देखा? गौरव यादव, आई एम वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू ब्रो. नाउ कम्स अनदर फैक्ट. उस टाइम पे OR में मावी था एंड स्काउट वाज इन फनाटिक. Send me, I'm open for my Twitter and DM. Send me a screenshot of 1.5-year, 1-year-old conversation. OR की किसी authority को आपने message किया हो वो clips stating it was wrong, जो कर रहे हैं आपके players वो गलत है, या Fnatic के Victor जी को जहाँ पे आप लोग OP लिखते थे,
यहाँ पे आप लोग फनेटिक ओपी लिखते थे एक फॉरेन ऑर्ग को, उनके अपने हेड्स को इंडिया लीड्स को डीएम कियो कि योर कंटेंट क्रिएटर इज डूइंग सच थिंग्स, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन बीइंग अ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सब रेसिज्म एंड चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, जहां पे ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, एक स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को. व्हाई यू गाइस आर टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स विद मी, द फ्यू ऑफ देम, बिकॉज यू गाइस थिंक कि ये लोग इजी टारगेट है. लेट्स ट्राई टू पुट SATUL डाउन एट कैसे भी करके, बट वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब SATUL वो वाला SATUL नहीं है कि जो सुनता रहेगा और बोलेगा कुछ नहीं, या चार दिन स्ट्रीम नहीं करेगा तो ऑडियंस से भाग के बात ठंडी हो जाएगी. और रही बात 420 को या GTX Speed को माफ करने वाली, भाई मैं कौन होता हूँ उनको माफ करने वाला? ठीक है मैंने माफ कर दिया, भाई मेरी तरफ से कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, मेरी तरफ से 420 को लेके GTX Speed को लेके मैं कोई ग्रजेस नहीं है दिल में. ठीक है, आप वो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जिन्होंने आवाज उठाई है, जिनको हर्ट हुआ है, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इंक्लूडिंग मर्सी, उनसे सॉरी बुलवा दो, उनसे अपॉलोजी ले लो. और उनको लगता है कि अगर स्काउट ने एक्जी को कुछ बोला था और एक्जी ने स्काउट को कुछ बोला था आपस में दोस्तों के, तो आप उन लोगों को बोलो कि वो वाला टॉपिक लाए और डू द नीडफुल. आई विल बी मोर देन ग्लैड टू ड्रॉप ऑफ स्काउट एंड मार्वी. हो गया यादव साहब, हिपोक्रेसी मच मेरी या आप लोगों की, मेरी या आप लोगों की. बेसिकली पॉइंट होता है एक मुद्दा चल रहा है, एक बात छेड़ी SATUL ने, बात छेड़ कैसी दी और छेड़ दी, तो चलो अब एक काम करते हैं, अब उस मुद्दे से दूसरे मुद्दे निकालते हैं. बट जब दूसरे मुद्दे का टाइम आया था तब सबकी आंखें और कान बंद थे. ये होता है हिंदुस्तान में, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सब यही करते हैं कि एक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा मुद्दा छेड़ दो तो फर्स्ट मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, और जो मुद्दा छेड़ोगे उसका कोई सेंस नहीं होगा, पूरा कंफ्यूजन क्योस क्रिएट हो जाएगा चारों तरफ. एक बल कल बच्चे ने मुझे एक स्टोरी में टैग किया था, मुझे और मर्सी को, उसने मर्सी को हिपोक्रेट लिखा था, मर्सी को और स्टैंडिंग विद द ऑडियंस, और ये लिखा था कि मर्सी आप जो हो सबसे बड़े हिपोक्रेट हो, क्योंकि आपने स्काउट और मावी को कुछ नहीं बोला. मैं ये बात कलम पे लिख के जाता हूं, कलम पे, अगर स्काउट और मावी उनका जो भी आपस में एक दूसरे के साथ लफड़ा हुआ, स्काउट का गेम एक्सप्रो के साथ हुआ, स्काउट मावी का XYZ के साथ हुआ, अगर वो लफड़ा इनका ये इन लोगों ने किसी ऑडियंस को, किसी अननोन पर्सन को आपस में फ्रेंडशिप के दौरान एक दूसरे को बैंटर करते हुए, या स्काउट ने गेम एक्सप्रो ओशन को जो बोला और गेम एक्सप्रो ने उसको कुछ बोला उस दौरान नहीं हुआ था, तो मर्सी इनकी फाड़ देता, मेरे से कागज पे लिख के ले लो. तब तो तुम लोग ओपी भाई करते थे 200,000 वॉचिंग में, हैं की तुम लोग को जोक याद आते थे जब मावी उसकी मारता था एक्जी की, और एक्जी मावी की मारता था, और एक्जी इसकी मारता था, और गेम एक्स प्रो स्काउट को पेल रहा था और स्काउट उसको पेल रहा था. तब तो तुम लोग जो है गेम एक्स प्रो को गालियां देने में बिजी थे. हिपोक्रेट मैं हूं तुम लोगों, हिपोक्रेसी की बात मत किया करो, स्टेट फैक्ट स्प्रिट करूंगा, क्योंकि मैं कहीं पे आज तक खुद गलत नहीं किया, ना मुझे किसी का डर, ना किसी क्रिएटर के जाने का, ना किसी क्रिएटर के रहने का. समझ में आई बात? आज की डेट में करेगा उसकी गार्ड पे लात मार के मैं सबसे पहले उसको जेल डलवाऊंगा, ये पॉइंट नोट कर लेना. ठीक है, किसी की 2 साल पुरानी करी हुई टट्टी मेरा जिम्मेदारी नहीं है साफ करना, और जिम्मेदारी है भी बनती भी है तो जाके बोलो उसको, बोलो एक्जी को, एक्जी तूने ऐसा क्यों बोला, और स्काउट को बोलो कि तूने ऐसा क्यों बोला. वो दोनों आपस में एक दूसरे के पत्थर मार के सर फोड़े जो मर्जी करे, वो उनकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है. GTX Preet is streamed yesterday also no action why. भाई मैं YouTube का मालिक हूँ, तू उसको जाके वॉचिंग में व्यू दे के आया, मुझे तो पता भी नहीं उसने वो स्ट्रीम किया, क्योंकि मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा था, अनसब्सक्राइब कर दिया. नो एक्शन, मैं पुलिस वाला हूँ.
प्रणब गेमिंग मैं पुलिस वाला हूँ। GTX प्रीति स्ट्रीम्ड यस्टरडे 40 रुपए बचाओ, उसमें थोड़ा ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश का करो, उस 40 रुपए में 20 रुपए का ऑनलाइन कोर्स करो, फ्री वाला करो, 40 रुपए के बादाम खाओ, थोड़ी बुद्धि आएगी। लाइट लो, अरे लाइट की प्रॉब्लम है, पता कल स्ट्रीम क्यों नहीं किया, मेरा ब्रेन फक हो गया था परसों कि भाई हमने एक बात पे पॉइंट पे अपना पीओवी दे दिया, ऑडियंस इतनी पागल हो गई, इतना ऑडियंस मतलब वीक है दिमाग से, हमें बोल रहे कि आप फॉरगिव कर दो। अरे भाई मैंने कर दिया फॉरगिव, ठीक है मैंने फॉरगिव कर दिया पर्सनली, तुम बाकी लोगों से भी करवा लो फॉरगिव, वो नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहनों से करा लो फॉरगिव, उनके पेरेंट्स से फॉरगिव करा लो, वो MLA से फॉरगिव करा लो जिसको उन्होंने ये सब बोला, जो कोर्ट में जज बैठा है उसको लिखो ना हिपोक्रेट, वो जज से करा लो फॉरगिव कि इसको फॉरगिव कर दो, पारस अग्रवाल को इससे गलती हो गई, इसको जेल मत दो। देश चूतियों से परेशान, चुनौतियों से परेशान नहीं है, चूतियों से परेशान है। इस बार तो मॉर्टल भी नहीं घबराया, मॉर्टल भी बोला उस टॉपिक पे, यू आर सेइंग दैट रेसिज्म इन फ्रेंडशिप इज ओके। तू मुझे एक बात बता दे, तू एक मुझे बात बता दे, यू आर सेइंग रचित राहुल, तू तेरे को तो कल मैंने कमेंट सेक्शन में भी पेला था ना, तू वो कमेंट क्यों नहीं पढ़ता जाके? वेट आई विल शो यू गाइस दिस कमेंट, इफ दिस वर्कर हैज द ऑडेसिटी, यू आर सेइंग दैट रेसिज्म इज ओके इन फ्रेंडशिप। तू ना आज तक अपने फ्रेंड को, किसी यार दोस्त को ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया होगा, काले मोटे या कुछ उस तरीके के वर्ड यूज करके नहीं बोला होगा। आई डोंट बिलीव तू इतना बड़ा महात्मा है। एक सेकेंड, तेरे को तो मैं रेक्ट करना ही था, इसने कहाँ कमेंट किया था मेरी कल वीडियो में? इसको अटेंशन चाहिए थे रचित राहुल को, मैंने अपने मॉड्स को भी बोला कि इसका कमेंट क्यों डिलीट कर दिया, बट इसका कमेंट एक और पड़ा था, मैंने फिर वहां जाके आंसर किया इसको, मैंने इसके कमेंट्स में भी कल आंसर किया था, इसी वीडियो में इसने कमेंट किया था। मॉड्स एक काम करो ना, इसका कमेंट होगा ये कल वाली वीडियो में, मुझे कमेंट इसका ढूंढ के और मेरा नीचे कमेंट का आंसर है वो ढूंढ के देना। दिस किड डजंट इवन लुक मोर देन 14-15 इन हिज डिस्प्ले पिक्चर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स में आपस में। मुझे चैट तुम लोग बता दो, आज तक तुमने आपस में फ्रेंड्स में मजाक में कभी उल्टी सीधी बकचोदी? मैंने तो बहुत किया भाई, मेरा अगर कोई सरदार फ्रेंड है हमने उनके साथ बैंटर किया है, मेरे को उन्होंने जैनी होने के नाते बहुत बैंटर किया है। हेलो गुली भाई। ओ गुली भाई। हाँ मर्सी। कितने लोग हैं अभी? 4 तो दिख रहे हैं, देख ले भाई। मर्सी रुक, मैं जाता हूँ वो वाला काम, एक बात कर रहा हूँ जो कल जो हमने टॉपिक छेड़ा है ना, बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम आ रही है। कौन है कि भाई? एक तो वो स्काउट मावी वाला, वो तो मैंने क्लियर कर दिया बात। फिर उसके बाद एक भाई साहब है जो बोलते हैं आपस में दोस्तों में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना रेसिज्म नहीं है, इट्स हिपोक्रेसी। वो कल से चूतिया लगा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में भी चालू था हिपोक्रेसी। उसको मैंने कमेंट में भी जवाब दिया था, अभी उसने कमेंट डिलीट कर दिया, मेरे मॉड्स ढूंढ के देंगे उसका कमेंट। मैंने बोला भाई ऐसा कौन दोस्त है आपस में मेरे को, मैं ज्यादातर लोग तो बोल रहे हैं ऐसे करके कि ज्यादातर नहीं, वही 5-6 लोग आते हैं आके बोलते हैं कि आप माफ कर दो ऐसा। हाँ माफ कर, ठीक है मैं कर दिया माफ। कौन करेगा? जो MLA को इन्होंने बोला वो माफ करेगा कि सेम वर्ड मैं बोला, ये 11,500 लोग में से मैंने और मर्सी ने माफ कर दिया, तुम लोग भी माफ कर दिए। वो MLA से माफ करवाओ ना जाके, उसके ट्विटर पे ट्वीट करो जाके, रचित राहुल तू मुझे हिपोक्रेट बोल रहा है। वो MLA का मैं अकाउंट खोला था कल, हाँ उसके ट्वीट पे जाके ट्वीट कर देना, तू तेरी फटती है, हिपोक्रेट तू है, मैं थोड़ी हूं, तेरी फटती है। तू मेरी गेमिंग अकाउंट में आके कमेंट कर रहा है ये सब चीजों का, तू जाके उस MLA को अकाउंट पे जाके बोलना तू हिपोक्रेट है MLA। तू होगा भाई सपोर्टर तेरे आइडल्स का, बट तेरे आइडल्स मेरे आइडल्स।